राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रोत्साहित होकर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस काम में हरिद्वार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया। 4 दिनों तक चली इस यात्रा में कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, हरीश रावत, कांग्रेस के विधायकगण और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार में संपन्न हुई भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत काफी गदगद नजर आए। हरीश रावत ने मोटरसाइकिल पर बैठकर जनता का आभार व्यक्त किया। रावत का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के शब्द ने ही लोगों के मन में एक हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई इस यात्रा का महत्व लोगों को हम लोग समझा रहे हैं और इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। यात्रा के समापन में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है, राहुल गांधी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार में 4 दिवसीय पदयात्रा निकाली गई है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी की निरंतर ये 3 महीने की तपस्या ने अब लोग जो है इसके महत्व को समझ रहे हैं और हर कोई इस यात्रा के साथ 2 कदम चलना चाह रहा है और यही हमारा लक्ष्य है कि हर कोई 2 कदम चले। जब कदम मिलेंगे तभी भारत जुड़ेगा। तो राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य था उसको लेकर विभिन्न जगहों में यात्राएं निकल रही है। ये 4 दिन की पदयात्रा हरीश रावत जी के नेतृत्व में निकली है और जिस तरीके से लोग घरों से निकल निकल के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उससे लगता है कि परिवर्तन की प्यार है और लोग राहुल गांधी के सौहार्द को बढ़ाने वाला जो उनका माहौल है कि देश को एकता के बंधन में बांधा जाए, उससे लोग सहमत।